नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18 से 21 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि, 18 सितंबर का दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। इस दिन आप काफी धैर्य और गंभीर व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आप काफी सधे हुए मस्तिष्क से कई निर्णय ले सकते हैं, चमत्कारिक निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जो पिछले काफी टाइम से पेंडिंग रहा हो, लंबित रहा हो। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा रूड भी पा सकते हैं और आपकी रूडनेस, आपका रूखा व्यवहार दूसरे लोगों को नजर आ सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बहुत जरा सा प्रयास करेंगे, तो ये रूखापन आपके व्यवहार में जो आएगा, ये दूसरे लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपको यही करना चाहिए। 18 सितंबर के दिन आप दूसरे लोगों को राय इत्यादि ना दें। हालांकि कई मामलों में आपको पता होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चुपचाप रहें, चीज़ों को घटित होते हुए देखें। कभी कभी दृष्टा होना बड़ा फायदेमंद होता है और बहुत लाभकारी होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपनी समस्या को कह रहा है या कह रही है और आपसे उसने कोई एडवाइस नहीं मांगी है, सिर्फ वो समस्या बता रहे हैं, तो उनकी समस्या को सिर्फ सुन ले, कोई एडवाइस ना दें। अपने आप में रहना, धैर्यवान बने रहना, शांत और गंभीर बने रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा 18 सितंबर को। 19 सितंबर आपके जीवन में थोड़ा सा तकलीफ लेकर आ सकता है। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ना हो। एक परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है इस दिन। ये परिवर्तन ईश्वर की ओर से होगा। ईश्वर की ओर से प्रदान किए या प्रदत्त किए इस परिवर्तन से आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन यह परिवर्तन आपके जीवन के लिए अवश्यंभावी है, बहुत जरूरी है, इसलिए यह परिवर्तन होगा। अगर आपके खुद के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है तो 19 सितंबर आपके लिए किसी भी प्रकार से खतरनाक दिन नहीं है, लेकिन अगर आपको पिछले काफ़ी समय से स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं थी तो 19 सितंबर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपना भी और परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या थी तो उनका भी। अदरवाइज स्वास्थ्य से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा 19 सितंबर को अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें अब आप पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, थक चुके हैं और उस रिलेशनशिप से स्वयं को हटाना चाहते हैं, तो इस कार्य को करने के लिए 19 सितंबर से बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। 19 सितंबर के दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो फायदा रहेगा। और अगर आपने इस दिन अपने माइंड को नेगेटिव चार्ज कर दिया, नकारात्मक बातें अपने दिमाग में लाई, तो सारा दिन आप परेशान रहेंगे। 20 सितंबर के दिन आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, थोड़ा आक्रामक रहेंगे, जोश से भरे हुए रहेंगे। इस दिन आप कुछ करके दिखाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। इस दिन आप इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे कि आपको कई बार लगेगा कि आप खुद ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्टिव होने का दिखावा भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब अच्छी बातों में एक नुकसानदेह बात यह है कि इस दिन आपको बुद्धू बना करके अपना काम कराया जा सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको सलाह दे या कोई व्यक्ति आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, तो थोड़ा सा रुक करके सोचें कि वास्तव में आपको यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब तक आपके अपना मन गवाही ना दे, किसी कार्य को ना करें। स्वयं को साबित करने का कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा, इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। स्वयं को बिना वजह हीरो बनाने वाले कार्य ना करें, इससे भी आपकी प्रतिष्ठा में नुकसान हो सकता है। हाँ, एक चीज करें, कुछ नया सीखने का कार्य करें। कोई ऐसी चीज सीखने का कार्य करें जिससे अभी तक आप या तो भागते आए हैं या आपने बिल्कुल ही उसे नहीं सीखा है और वो आपके लिए नया है, लेकिन उत्सुकता भरा है। आपके मन का एक कोना कहता है कि आपको ये चीज भी सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 21 सितंबर भी ऊर्जा से भरा हुआ दिन रहेगा, लेकिन इस दिन नए विचार आपको आते रहेंगे। इन नए विचारों को थोड़ा सा लिखने का भी कार्य करें। जब आप विचारों को लिखते हैं तो उन विचारों में गहरे उतरते हैं, उन विचारों की छानबीन करते हैं, उन विचारों को एक्सपेंड करते हैं और एक योजना में परिवर्तित करते हैं, और योजना भविष्य में जीवन को परिवर्तित करती है। तो अगर आप अपने विचारों को लिखेंगे 21 तारीख को तो काफ़ी फायदा होगा। अगर विचारों को नहीं लिखते हैं तो भी आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उसमें अपना 100% देते रहें, बिना डरे बिना रुके लगे रहें काम में, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। 21 सितंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन आप कुछ नया व्यवसाय, नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। 21 सितंबर को शुरू किए गए नए कार्य में सफलता मिलने के संकेत बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि सफलता जरूर मिलेगी जो काम 21 सितंबर को शुरू किया जाएगा। 21 सितंबर के दिन अपने बारे में दूसरों को कम जानकारी दें, अपनी वाहवाही खुद न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 20 तारीख सबसे बढ़िया है, बाकी कोई भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक दृष्टिकोण से चारों दिन अच्छे हैं, बस केवल 18 तारीख को आपका आपके जीवन साथी से थोड़ा सा नोकझोंक हो सकती है।
बाकी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 18, 20, 21 अच्छी तिथियां हैं, 19 तारीख बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों ये था दैनिक राशिफल 18 से 21 सितंबर तक के लिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।